नमस्कार, मैं चंदन पाल, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करने वाला हूँ इंसान की पांच ऐसे आदतें जो आदतें इंसान को बर्बाद की तरह ले जाती है, बर्बाद कर देती है पूरी तरह से वह आदतें इंसान को। और ये आदतें छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, अपने भविष्य बेहतरीन कर सके। याद रखे, इंसान गलतियों का नहीं आदतों का पुतला है। और याद रखे, अगर आज से अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो बुरी आदतें अपने आप लग जाएगा। कहता है कि अच्छी आदतें डालना पड़ता है और बुरी आदतें तो अपने आप लग जाता है। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद अपने ज़िंदगी में अच्छी आदतें डालना शुरू करो। पहला आदत है कंप्लेन करना। दोस्तों, हम छोटे छोटे बात पर कंप्लेन करते रहते हैं। तूने मेरे साथ ये कैसे किया, तू मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता। हम छोटे छोटे बात पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं। श्री राम ने जब राजा बनने था, उसका एक दिन पहले राम को 14 साल की वनवास हो गया था, लेकिन राम ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। ना तो उनको पिताजी को कंप्लेन किया, ना तो माताजी को। 14 साल की वनवास हो गया, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको साथ जो हुआ वो उसने अपसेट किया, उसको मान लिया। लेकिन हमने छोटे छोटे बात पर कंप्लेन करते रहते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ बनो या ना बनो, ज़िंदगी में कभी भी कंप्लेन मत करना। आदत नंबर दो, कंपेयर। हम लोग कंपेयर करते हैं किसी और से। इंसान हंसते हंसते रो पड़ती है, किस लिए? कंपेयर की वजह से। हम लोग किसी और से कंपेयर करते हैं हम खुद को, हम हंसते हंसते रो पड़ते हैं। मानो आपने एक अच्छी सी कार लेकर आया और आपकी दोस्त ने उससे भी अच्छा बड़ा कार लेकर आया, और वो कार देखकर आप उसी पल दुखी हो जाओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम उस दोस्त के साथ कंपेयर करोगे, इसलिए आप दुखी हो जाओगे। इसलिए आप जो आपके पास है उससे खुश रहिए। और अगर कंपेयर करना ही है तो खुद से करिए कंपेयर। आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसके पास अच्छे कपड़ा नहीं, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छे उनके पास घर नहीं, लेकिन आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। लेकिन हम उनसे कंपेयर नहीं करता जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे दोस्त के पास है, जो हमारे रिलेटिव के पास है, हम उससे कंपेयर करते हैं और हम दुखी रहते हैं। इसलिए आप ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपेयर करने से इंसान दुखी होती है, खुश नहीं रहता। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी कंपेयर मत करिए। आदत नंबर तीन, और ये आदतें सब इंसान के अंदर है, अगर आपके अंदर भी है तो तुरंत इसको त्याग करिए, छोड़ दो ये आदतें, क्योंकि ये आदतें एक इंसान को बर्बाद की तरह ले जाती है। और वो है ब्लेम करना किसी के ऊपर। हम जिंदगी में जब भी कोई काम करना चाहते हैं और वो काम नहीं हो पाता हमसे, तो हम किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और को दोषी मानते हैं, लेकिन हम खुद को दोषी नहीं मानते, किसी और को दोषी मानते हैं। हम जब भी कोई काम में फेल हो जाते हैं तो हम किसी और को दोष देते हैं। जब भी कोई काम करना चाहते हैं वो काम हमसे नहीं बनता, तो हम उस काम के किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और को दोष देते हैं। अगर ये आदतें आपके अंदर है तो तुरंत ये आदतें छोड़ दो। आदत नंबर चार, और ये आदतें हम सबके अंदर है ही है, सबके अंदर है, वो है एक्सक्यूज देना। ये आदतें हम सब करते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर पाता तो हम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा साथ ये क्यों है। हम जब भी कोई काम नहीं कर पाता तो हम एक्सक्यूज देते हैं कि इस वजह से नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। हम जब कोई काम करते हैं और वो काम हमारे साथ नहीं होता तो हम एक्सक्यूज देने लगते हैं कि हमारा ये काम इस वजह से नहीं हुआ, ये नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। और हम जब एक्सक्यूज देने के लिए कुछ नहीं पता तो हम भगवान या अल्लाह या गॉड्स को एक्सक्यूज देती है। ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये करना था,
आपको मैं ही मिला था ये करने के लिए, ये सब एक्सक्यूज देती है। आप जिंदगी में एक्सक्यूज देना बंद करिए। एक्सक्यूज देने से जिंदगी में कोई भी काम नहीं बनता। आदत नंबर 5, और ये आदतें हम सब के अंदर है, वो है अहंकार। एक सक्सेसफुल इंसान को नीचा गिराता है, बुरी दिखाता है, वो है अहंकार। एक थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाती है, हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं, और हम अहंकार दिखाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। हम दिखाता है, देख हम क्या बन गया, हम क्या है, तू नहीं कर सका हमने कर दिया, तू नहीं बन सका और देख हम बन गया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोगों को अहंकार दिखाता है। आप जिंदगी में कभी भी अहंकार ना दिखाए, क्योंकि वो अहंकार ही आपको नीचे गिराएगा। सीता मैया को जब रावण ने हरण करके लेकर गया लंका पर, तब और राम ने कहा कि सबको, और राम ने सबको कहा कि कौन जाएगा सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन हनुमान ने कहा कि मैं जाऊंगा। और हनुमान ने 7 समुद्र 13 नदी पार करके लंका पर गया और सीता मैया को पास जाकर कहा। और जब हनुमान सीता मैया के पास गया तो सीता मैया ने कहा कि कौन हो आप, और हनुमान ने कहा कि मैं राम देव का दूध हूँ, इससे बड़ी परिचय कुछ नहीं है मेरा, सिर्फ यही कहा। लेकिन वो कह सकता था कि सीता मैया कोई नहीं आ पाया, मैं आया, मैं हनुमान हूँ, मैंने 7 समुद्र 13 नदी पार करके आपके पास आया, लेकिन उसने ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अहंकार नहीं था कि कोई नहीं आ पाया, मैंने आया। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बन जाओ, कहीं भी पहुँच जाओ, लेकिन हम जिंदगी में कभी भी अहंकार मत दिखाए, निरअहंकार रहिए हमेशा। मिलते हैं कई नई वीडियो की कई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।